देश की राजनीति और उत्तर प्रदेश विशेष रूप से, जो कि देश की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है, वहाँ पर होने जा रहे 10 उपचुनाव में कांग्रेस की भूमिका को लेकर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 में से 9 सीटों पर उपचुनाव का चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है और इन 9 सीटों पर आप सबको हम अवगत कराना चाहेंगे कि आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से देश में संविधान को कमजोर करने के लिए और अपने राजनीतिक स्वार्थों को साधने के लिए एवं आपसी भाईचारे को नष्ट कर समाज को आपस में बांटने का अपना राजनीतिक एजेंडा सुनियोजित तरीके से चला रही है और जिसे पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने एक करारा जवाब देकर उन्हें सचेत किया। आज उन्हीं मूल्यों को लेकर, जिन मूल्यों को लेकर संविधान की रक्षा करने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, संविधान को जनता के बीच में उसी सम्मान दिलाने, वही सम्मान को पुनः एक बार स्मरण दिलाने के लिए माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में माननीय राहुल गांधी जी देश में घूम घूम कर जिस संविधान का जिक्र करते हुए समाज के हर वर्ग को न्याय दिलाने हेतु, चाहे किसी वर्ग का, हमारे पिछड़े वर्ग के लोग, हमारे पिछड़ी जाति के लोग, अल्पसंख्यक, इनके सम्मान और रक्षा के लिए जिस प्रकार से संविधान को लेकर लोगों में जन जागरण की भावना जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी क्रम में इन्हीं मूल्यों को मद्देनजर रखते हुए एवं इस अवसर पर जब उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं और इन चुनावों की और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर मैं और मेरे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी, हमारे उत्तर प्रदेश के सभी शीर्ष नेता, सीएलपी के नेता मुन्ना मिश्रा जी, हमारे सभी वहाँ के सांसदगण, वहाँ के वरिष्ठ नेतागण, सभी से चर्चा करने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी से राज्य की राजनीतिक घटनाक्रम और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक तनाव की स्थिति प्रशासन के अनदेखी का बहाना बनाकर जो तनाव बढ़ रहा है, इन सभी राजनीतिक पहलुओं पर और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के साथ जो हमारी चर्चा हुई, इन सभी विषयों को लेकर उनसे हमने चर्चा की। पार्टी के शीर्ष नेता आदरणीय, हमारे शीर्ष नेतृत्व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के साथ साथ आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी और हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वेणुगोपाल जी, इन सब के साथ में गहन चर्चा करने के बाद एक मत बहुत स्पष्ट रूप से निकल के आया कि आज वर्तमान राजनीतिक तनाव, जिस प्रकार से सामाजिक तनाव उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में बढ़ रहा है और जिस उद्देश्य को लेकर इंडिया गठबंधन की निर्मिति हुई, इंडिया गठबंधन बनाया गया और बहुत ही सफलतापूर्वक एकता का एक उदाहरण देते हुए उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में लोकसभा चुनाव जो हमने लड़ा, उसी आधार पर आज प्रश्न अपने संगठन को या अपने पार्टी को बढ़ाने का नहीं है, बल्कि आज समय है हम सबको मिलकर इस संविधान को बचाने का, आपसी भाईचारे को, सौहार्दता को मजबूत करने का और इन उद्देश्यों को लक्ष्य में रखते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सामान्य अध्यक्ष और वहाँ के सभी वरिष्ठ नेताओं के
सुझाव अनुसार आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष से सहमति लेकर हमने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी एवं इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ उनकी विजय के लिए प्रयासरत रहेंगे।